मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि हत्या वाले दिन से फरार हो गया था। पुलिस को कैसे मिला शूटर शिव कुमार का लोकेशन, कैसे जाल बिछाकर शिव कुमार को किया गया गिरफ्तार, जानिए पूरी कहानी। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम बाबा सिद्दीकी मामले में लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। वहीं हत्या के बाद से फरार चल रहा शिव कुमार भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। शिव कुमार को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम 21 दिनों से प्रयास कर रही थी, अलग अलग लोगों को ट्रैक कर रही थी। एक अधिकारी ने बताया कि शिव कुमार के परिवार और करीबियों का पूरा डाटा निकाला गया, जिसमें कुल 45 लोग थे। इन 45 लोगों पर नजर रखी जा रही थी, उनकी हर मूवमेंट को भी ट्रैक किया जा रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और लोगों को ट्रैक किया गया, तब मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच 4 लोगों पर आकर रुकी, जो कि लगातार शिव कुमार के संपर्क में थे। चारों पर कुछ दिनों तक नजर रखी गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच को ये पुष्टि हो गई कि ये 4 लोग शिव कुमार से मिलते हैं और लगातार उसके संपर्क में हैं। क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया और 10 नवंबर तक का इंतजार किया। ये चारों लोग शिव कुमार से मिलने गए। शिव कुमार के गांव के करीब ही एक गांव में उसके लिए सेफ हाउस बनाया गया था, वहां पर भी पुलिस ने जाल बिछाया। और जैसे ही शिव कुमार वहां पहुंचा, क्राइम ब्रांच और UPSTF ने उसके साथ चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।